का नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों की समक्ष आया हूँ लेकर के नया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आज मैं क्विक रिवीजन करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बेसिक चैप्टर है जो आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, तो एक क्विक रिवीजन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं, तो ये सारी बातों को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि सपोज अगर आपके पास कोई एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सपोज ये मीडियम ए है आपका और ये आपका क्या मीडियम बी है, कोई लाइट पे ट्रेवल करते हुए इंसिडेंट होती है, ठीक है, और ये हमारे सरफेस पे पड़ती है, तो सरफेस पे आने के बाद अब जब सेकेंड मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है। कहने का मतलब इसको सीधा जाना था, बट ये क्या होती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, और डेविएट होने का कारण क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं। अगर इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो क्या देखते हैं, अगर ये ओ ए, ठीक है, इसको ओ से आपको इस डायरेक्शन में मान लीजिए ए डैश डायरेक्शन में जानी चाहिए, बाकी किस डायरेक्शन में आपका चला जा रहा है, बी पॉइंट ए बी डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है। तो अब इसका रीजन क्या होता है, लाइट रे का डेविएट होने का कारण क्या होता है, मीडियम, क्योंकि मीडियम आपका जैसे दो होता है, आपका जो मीडियम आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हम बेसिकली दो मीडियम को देखेंगे, या तो रेयर हो सकता है आपका या तो डेंसर हो सकता है, रेयर मीडियम हो सकता है या डेंसर मीडियम हो सकता है। और जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, क्या ध्यान देना है, अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर हमें मान लीजिए नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो इसे आप क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करती हुई आती है किसी सरफेस पे, आने के बाद वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर हम इसी बात को ऐसे कहें कि मान लीजिए नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और यहाँ से कोई लाइट रे ट्रेवल करती है आपकी, सीधा मान लीजिए ऐसे जाना था, बट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अवे फॉर द नॉर्मल, अवे फॉर द नॉर्मल। तो बेटा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, पहली बात आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे हमारा रेयर टू डेंसर जा रहा है तो वो क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फॉर द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन आता है, सर जी ये डेविएशन क्यों होती है, ठीक है, क्यों लाइट रे अपने पास से डेविएट होती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, आप सीधा सा समझ जाना, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस होता है, क्योंकि जब रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम का मतलब जैसे आप जानते हो एयर, एयर आपका क्या है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में आपका जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो वेलोसिटी आपकी होगी स्पीड लाइट की वो सबसे ज़्यादा आपका एयर में या वैक्यूम में होता है। आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। और जब ये रेयर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में आएगा, डेंस मीडियम आपका वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एनी अदर लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब रेयर से डेंस मीडियम में आएगी तो वहाँ पार्टिकल्स बहुत क्लोजली होते हैं, तो अब क्या होगा, जो लाइट रे बहुत तेजी से जा रही थी, अब वो लाइट रे, ठीक है, जहाँ स्पेस पे आएगी वहाँ से जाने की कोशिश करेगी, तो इसलिए क्या होती है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो डेविएशन का मेन कारण क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बातें आई थिंक क्लियर होंगी कि रिफ्रैक्शन आपका क्या होगा, इसी दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, क्या चीज़, कि जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होती है, अपने पास से डिवेट हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई लाइट रे चलती हुई किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को या इसी घटना को दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक क्लियर होगा ये बात। ठीक है, ओके बेटा, सो हमने क्या देख लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड कॉजेस, कॉजेस क्या हुआ कि ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अलग अलग मीडियम की अपनी अलग अलग ग्रेविटी, लाइट में उसकी अलग अलग स्पीड होती है, तो वेलोसिटी में चेंजेस के कारण क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हमने देख लिया तो यहाँ पे बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगेन रिफ्रैक्शन के तरीके से यहाँ पे टू लॉज हैं, क्या टू लॉज है, ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई सरफेस है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, कोई लाइट रे ट्रेवल करती हुई आ रही है, सीधा जाना था, देन टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये पहला मीडियम हम रेयर ले लेते हैं, सेकंड मीडियम डेंसर ले लेते हैं, ठीक है, ये ए बी हमारा मान लीजिए आपका ये इसका सरफेस हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओ ए बी डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है, इस एंगल को हम आई ले लेते हैं, इस एंगल को आर ले लेते हैं, यहाँ आई का मतलब आपका क्या बन जाएगा, इंसिडेंस एंगल, और आर क्या बनेगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है,
अब ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे होगी, और ये कौन सी रे होगी बेटा आपका, रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है, नॉर्मल। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरती है, स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला टॉप से क्या कहता है कि, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चार बातें बोला, क्या चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, ये सारी के सारी एक प्लेन में होंगी। पहला वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही आपका सेम टू सेम है, क्या चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट लॉ है, जहाँ पे ये कहा गया था, ठीक है, फॉर सेम कलर ऑफ लाइट एंड टू डिफरेंट मीडियम, एक ही कलर लाइट के लिए और दो अलग अलग मीडियमों के लिए क्या होगा, ठीक है, द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट, क्या चीज, द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, फॉर टू डिफरेंट मीडियम एंड सेम कलर ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। इस लॉ को हम बाद में क्या बोला गया, स्नेल्स लॉ कहा गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर दो अलग अलग मीडियम है तो अगर हम इसको एन जी कहते हैं क्या बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर बन जाएगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एन जी को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एन हमारा क्या हो जाएगा, एन को क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, एन को क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और रीड क्या करेंगे इसे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, अगली बात आप यहाँ पे दो तीन बातों को ध्यान देना, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की पहली चीज तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, एक सर याद रखना, अक्सर लोग पूछ लेते हैं बेटा ये बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सेकेंड थिंग्स, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा आपका, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम आपका कैसा है, रेयर है, डेंसर है। दूसरी चीज आपका किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस पे डिपेंड करेगा आपका, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और तीसरी बात आपका किस पे डिपेंड करेगा आपका, टेम्परेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे चार बातें कह सकते हैं जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड किन किन बातों पे करेगा। सबसे पहली बात, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सेकंड थिंग्स, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान देना है, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहा गया, टू डिफरेंट मीडियम फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम निकालेंगे, ठीक है। और ए एन जी इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, साइन आई अपॉन आर। अगर इंसिडेंट रे क्या होती है, जो भी लाइट रे किसी मीडियम पे आती है, फॉल होती है, स्ट्राइकिंग लाइट रे होती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। रिफ्रेक्टेड रे क्या होती है, ठीक है, जो मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब डेविएटेड रे जो है, ठीक है, जो दूसरे मीडियम में रे जा रही होती है, जो आने वाली रेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो जाने वाली रेज है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड रे। आई क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, अक्सर पूछा जा सकता है कि बेटा बताओ इंसिडेंस एंगल क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टिव रे के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बनेगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें सारी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे मैं आगे और कुछ बातों को लेकर के आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक्चुअली टाइम कम है, मुझे दूसरी क्लास में ले जाना है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।